जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। हमेशा सुंदरता की तुलना चांद से की जाती है। हालांकि चांद में दाग है, लेकिन चांद की रोशनी, उसकी चमक, उसकी ब्राइटनेस के आगे उसका दाग भी फीका पड़ जाता है। तो कहने का सीधा मतलब ये है, जो लड़कियां हमेशा मुझे गोरा होना है, मुझे गोरा होना है, मुझे गोरा होना है, मुझे गोरा होना है, आपको गोरा होने की जरूरत नहीं है, आपको चमकने की जरूरत है, आपको फेस पे ग्लो लाने की जरूरत है। और इतने समझदार तो आप खुद हैं ही कि जैसे ही बात आती है फेस पे चमक लाने की, ग्लो लाने की, तो 50% काम करता है आपका खाना। जब तक आप हेल्दी खाना नहीं खाएंगे, सीजनल फ्रूट, जूस, हरी सब्जियाँ, तो आपको मनचाहा ग्लो नहीं मिल पाएगा। ओके, तो खाना है ही, मतलब अच्छा खाना तो खाना ही है, साथ में लगाना भी है। क्या लगाना है? आज का DIY फेस सीरम, जो स्पेशली आपकी स्किन पे ग्लो लाएगा, जिसके लिए आपको चाहिए खाली कंटेनर, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे 7 डेज के लिए। फर्स्ट इंग्रेडिएंट हनी शहद। मेरे पास स्मॉल स्पून है, इसीलिए मैं दो डाल रही हूँ। अगर आपके पास वन बड़े वाले स्पून है तो आप एक डाल दीजिएगा। हनी के अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, स्किन को बेहतर बना रहा है, स्किन पे ग्लो लेके आता है। तो उसके बाद आपको लेना है लेमन, हाफ लेमन। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है। अब जो लड़कियां बोलती हैं कि लेमन उनकी स्किन पे सूट नहीं करता है, जैसे आप लेमन को शहद के अंदर डालेंगे ना, तो इसकी जो एसिटिक प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी लो हो जाएंगी और आपकी स्किन पे एलर्जी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि एलर्जी करके जाएगा, तो आप इसका पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। थर्ड इंग्रेडिएंट है आपका ऑयल। कौन सा ऑयल यूज कर सकते हैं? एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल या फिर ओलिव ऑयल। सिर्फ 5 to 10 ड्रॉप, तीनों इंग्रेडिएंट्स को आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। आपका एक अमेजिंग सा DIY फेस सीरम बन के तैयार है। कंसिस्टेंसी एग्जैक्ट आपकी ऐसी ही होनी चाहिए जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको गर्म पानी के साथ आपका फेस धो लेना है, सिंपल पानी के साथ। फिर आपको ये सीरम लेना है और रात को सोने से 1 घंटे पहले आपको ये प्रोसेस करनी है। उसके बाद 10 मिनट के लिए आप इसको लगाएंगे फेस पे और अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। सर्कुलर मोशन में नहीं करनी है, अपर डायरेक्शन में आपको मसाज करनी है। लगातार 7 दिन आप ऐसा करेंगे, ठीक है? इसको रखिए 1 घंटे तक और फिर आप इसको वॉश करके ही सोएंगे, लगा के नहीं सोना है। तो करिए, जो गजब के रिजल्ट आपको मिलेंगे ना, वो आप मुझे जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के। ओके, तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कौन सा फेस सीरम यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मार्स बाय GHC ग्लो स्किन सीरम, क्योंकि इसके अंदर की इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं मुल्तानी मिट्टी, विटामिन सी, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, कोको बटर। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो नेचुरल हैं और जो आपकी स्किन पे ग्लो लाने का काम करेगा। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, कांच का बोतल दिया गया है जिसके ऊपर आपको ड्रॉपर मिल जाता है। विटामिन सी है तो ये एंटी एजिंग का भी काम करेगा। अब लगाना कैसे है, सारी प्रोसेस इसी के ऊपर आपको मिल जाती है। सबसे पहले आपको आपका फेस क्लीन करना है, पोंछ लेना है, इसके साथ हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है और इसको छोड़ देना है। ओके, तो इस तरीके से आपको लगाना है। कंसिस्टेंसी मैं आप लोगों को दिखा दूं, इसकी जो कंसिस्टेंसी है सेम, बिल्कुल नॉन ग्रीसी, नॉन स्टिकी है, बिल्कुल कोई चिपचिपाहट नहीं है, बिल्कुल अच्छे से स्किन पे पेनिट्रेट हो जाएगा, स्किन ऑब्जर्व कर लेगी, अपने अंदर इसको खींच लेगी और आपकी स्किन पे एक अमेजिंग सा ग्लो आपको मिलेगा। इसकी जो फ्रेग्रेंस है काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी ली गई है तो हल्का सा इसका जो कलर है वो मुल्तानी मिट्टी जैसा ही है। आप इसको दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, सुबह और रात को सोने से पहले। आप इसको अपने मेकअप लगाने से पहले यूज कर सकते हैं, आप खाली इसको भी लगा सकते हैं। सीरम लगा लीजिए अपने फेस पे, उसके बाद आप मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं। तो इसकी भी आप लोगों को हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। आपका जो फेस है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। डेफिनेटली इसको लगाने से 10 से 15 दिन में आपको अच्छा खासा रिजल्ट दिख जाएगा, ग्लो दिखेगा, विटामिन सी है तो फाइन लाइन रिंकल्स भी हट जाएंगे और आपकी जो स्किन है वो हेल्दी बनना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लिए लिए गए हैं। कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो आपकी स्किन को हार्श करके जाएगा, जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, अगर आप लेना चाहते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है DIY फेस सीरम लगाने का, तो डेफिनेटली आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो यह मैंने दोनों फेस सीरम आप लोगों को बताए हैं। जब आप वो फेस सीरम लगाते हैं और आप उसको धुल देते हैं, तो उसके बाद आप इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है?
टोटली आपकी चॉइस है, जो चाहे वो कर सकते हैं। DIY वाला भी लगा सकते हैं और ये भी आप लगा सकते हैं। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो जैसा भी हमारा रंग रूप है, हम उसको कैसे इन्हेंस करें, हम उसको कैसे चमकाएं। ना कि गोरा होने की ज़रूरत है, ना कि और ज़्यादा धाम जाम करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो। आशा करूंगी कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ कोई अच्छी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।